I think the reactions in the middle of the way soon. What? Thank you, sir. Thank you for all the guidance. Thank you, sir. Meghraj. मेरे ख्याल से क्योंकि एक पारिवारिक फिल्म है तो मैं शायद शुरू करूंगा अपने ही परिवार के साथ कि हाँ जी मैं यहाँ खड़ा हो गया तो आपके पीछे लाइव ही कर लेते हैं लाइव ही कर लो नहीं तो मैं थोड़ी देर बाद खैर मजाक एक तरफ छोड़ के मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा क्योंकि एक पारिवारिक फिल्म है और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा परिवार बैठा है आप लोगों के सामने। मुझे मेरे परिवार की बहुत याद आ रही है क्योंकि आज सुबह ही पापा का मैं पापा के साथ था और पापा आए रूम में, उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाया प्रेम रतन धन पायो के इंटरव्यू सूरज जी ने किया था और उस इंटरव्यू में सूरज जी ने कुछ आज बोल यू नो प्रशंसा के मेरे लिए उन्होंने कहे थे और पापा बहुत प्रभावित हो गए, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए उस समय। और जब मैंने वीडियो देखा और ऊपर देखा तो पापा रो रहे थे, तो एक किस्म से शायद ये उनका बड़ा बहुत सपना था कि मैं इस परिवार से जुड़ूँ, सलमान भाई के साथ जुड़ूँ, सूरज जी के साथ जुड़ूँ, ये सपना। जी हाँ बचपन में मगर आप लोगों के साथ तो ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि हम आप कहें कौन हम आपके यहाँ कौन फिल्म रिलीज हुई थी और पापा विदेश गए थे अपनी शोज के लिए और मम्मी मेरी बड़ी बहन नेहा और मैं तीनों बहुत उम्मीद के साथ थिएटर के बाहर पहुँचे, लगा शायद हमारी किस्मत अच्छी होगी, टिकट काउंटर पे मिल जाएगी। और किस्मत उस समय इतनी अच्छी नहीं थी, टिकट काउंटर पे जाहिर सी बात है इतनी बड़ी फिल्म थी कि बिल्कुल नहीं मिली। तो अब एक प्रेस्टीज इशू हो गया था क्योंकि स्कूल के सारे ही लोग जो हैं वो हम आते हैं कौन के लिए जा रहे थे, तो मैं जो हूँ बहुत वहाँ पे नाराज़ हो गया, रोने लगा। मैंने कहा मम्मी से अगर हम आते हैं कौन आज नहीं देखी थर्सडे फर्स्ट शो तो मैं घर ही नहीं जाऊँगा। और एक वहाँ पे कोई एक जनाब खड़े थे, उन्होंने देखा कि इज्जत हो रही है यहाँ पे, तो आके उन्होंने टिकट ऑफर की। मैंने कहा अरे देखिए मैम उनके पास टिकट है, और उस समय 500 रुपये उन्होंने एक टिकट के मांगे। और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उस समय 500 रुपये बहुत हुआ करते थे और शायद आज भी एक टिकट के आज भी अगर आप देखें तो एक टिकट 500 रुपये यानी एक छोटे से परिवार के लिए बहुत और यू नो बहुत कीमती होती है। फिर भी मम्मी ने कहा कि मैं नाराज नहीं करना चाहती और हम तीनों चले गए फिल्म को। फिल्म ख़त्म हुई, टैक्सी में बैठे तो मम्मी ने कहा कि मुझे मेरे 1500 रुपये वापस चाहिए। तो मैंने कहा माँ, तो शी सेड कि मैं कुछ भी कहूँ मगर तुम्हें सूरज जी और सलमान भाई के साथ फिल्म करनी ही है। और जिस दिन सूरज जी के साथ मुलाकात हुई मेरी, जैसे ही उन्होंने कहा कि नील तुम इस फिल्म के हिस्सा बनना चाहते हो, तो मैंने कैसी बात कर रहे हैं यू नो, मैं इतना नर्वस था। फिर उन्होंने कहा कि यू नो इट्स यू नो योर पार्ट ऑफ द फैमिली, बहुत प्यार से हम सबको हम सबसे मिलाया ऑफिस में। मैं नीचे गया और सिद्धिविनायक के एकदम ऑपोजिट ऑफिस है और बाहर खड़ा था और मैंने माँ को फ़ोन किया और मम्मी ने कहा कि व्हाट्स हैपनिंग गिव मी सम न्यूज़। आई सेड मॉम आई जस्ट साइंड अ फिल्म एंड आई एम गेटिंग योर 1500 रुपीज बैक एंड She said, "You are doing a film with Suraj ji." I said, "With Suraj ji and Salman bhai in the film." तो ये एक स्टोरी थी, मगर ज़्यादातर मैं but
बट मेरे कोई बड़े भाई है नहीं सर जी, तो एक किस्म का गैप हमेशा महसूस हुआ है मेरी ज़िंदगी में। मगर ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सलमान भाई के बाद यू नो उनके साथ काम करने के बाद एक्चुअली में वो गैप जो है वो ब्रिज हो गया है। वो गैप जो था, क्योंकि मेरे कोई सबके बड़े भाई है नहीं, नहीं है। मगर मैं तो मानता हूँ, आई थिंक मेरे साथ साथ पूरी शायद दुनिया भी मानती है, इसलिए ये मेरे मुझसे उम्र में कम है, ये करेक्ट है। तो एक बड़े हो या छोटे भाई मिल गया। थैंक यू, सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। थैंक यू एवरीवन, आई हैड अ ब्लास्ट वर्किंग विद ऑल ऑफ यू। सो नाउ दिस इज माय सेकंड।